वांटेड गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो मैक्सिको में था, उसे इस्तांबुल के रास्ते आज सुबह भारत लाया गया। उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि दीपक बॉक्सर मैक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। ये पहली बार है जब दिल्ली पुलिस की टीम ने किसी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए देश के बाहर ऑपरेशन चलाया है। पुलिस ने उसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। दीपक बॉक्सर गोगी गैंग को लीड करता था। ये गैंग कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ मिलकर काम करती थी। स्पेशल कमिश्नर एजीएस धालीवाल ने बताया कि कई रास्तों से होकर मैक्सिको तक पहुंचा था। मैक्सिको से वो अमेरिका पहुंचने की फिराक में था, लेकिन वो अमेरिका की एजेंसी एफबीआई के बिछाए जाल में फंस गया। उन्होंने बताया कि जनवरी में इनपुट मिला था कि दीपक ने रवि अंटील नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। ये पासपोर्ट उसने बरेली में बनवाया था। इसके बाद वो कोलकाता से दुबई पहुंचा। धालीवाल ने बताया कि दुबई से होते हुए वो अलमाटी, कजाखस्तान और फिर तुर्की पहुंचा। यहां से वो स्पेन गया। कई सारे रास्तों से होते हुए वो आखिरकार मैक्सिको पहुंच गया। धालीवाल ने बताया कि पुलिस लगातार उसको ट्रैक कर रही थी। उन्होंने बताया कि उसके साथियों से पूछताछ करने और टेक्निकल इनपुट की मदद से पता चला कि दीपक मैक्सिको के कैनकन शहर में है। कैनकन शहर मानव तस्करों और ड्रग माफियाओं के लिए बदनाम है। धालीवाल के मुताबिक दीपक मैक्सिको इसलिए गया क्योंकि वो यहां से दिल्ली और आसपास के राज्यों में अपनी गैंग चलाना चाहता था। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम मैक्सिको पहुंची, जहां स्थानीय अधिकारियों और एफबीआई ने मदद की। मैक्सिको में गिरफ्तार करने के बाद उसे इस्तांबुल के रास्ते दिल्ली लाया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि बीते कुछ महीनों में उसकी गैंग से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके रिश्तेदारों और गैंग के सदस्यों से ही फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि मैक्सिको तक पहुंचने में उसने 40 लाख रुपए खर्च किए। इसमें उसकी मदद उसके कजिन संदीप ने की। दीपक बॉक्सर भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। भारत में उसके खिलाफ 5 साल में एक मर्डर और एक्सटॉर्शन जैसे 10 मामले दर्ज हैं। इसी साल 16 मार्च को स्पेशल सेल ने दीपक बॉक्सर और उसकी गैंग पर एक केस दर्ज किया था। उसे गिरफ्तार भी इसी मामले में किया गया है। पिछले साल 23 अगस्त को दिल्ली के बुरारे इलाके में बिल्डर अमित गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी दीपक ने ली थी। उसने दावा किया था कि गुप्ता की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो टिल्लू गैंग का करीबी था। अमित गुप्ता को दीपक की गैंग के शार्पशूटर अंकित गुलिया ने गोली मारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।